नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ग्रुप बाय क्लॉज के नाम पे। ग्रुप बाय क्लॉज क्या होता है? ग्रुप बाय क्लॉज आपका एक ऐसा क्लॉज है जिसमें आप डिफरेंट रिकॉर्ड्स जो आपके पास होते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस जो होते हैं, वहां से आप डेटा लेके उसको रिटर्न करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप के फॉर्म में। ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है? जो ग्रुप बाय क्लॉज आपकी सेम वैल्यूज जिन रोज में होती है उनको समरी रोज के हवाले से आउटपुट के तौर पर शो करता है। और ये डेटा को कलेक्ट करता है फ्रॉम मल्टीपल रिकॉर्ड्स, मल्टीपल रिकॉर्ड से डेटा को इकट्ठा करता है और उनको ग्रुप करके रिजल्ट एक समरी के फॉर्म में दे देता है। इसके लिए हम ग्रुप बाय क्लॉज को जो है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मतलब जो कि हम मैक्सिमम मिनिमम काउंट एवरेज और सम, ये जो है हम और सम के हवाले के साथ देख चुके हैं। सो हम यहाँ पे एग्रीगेशन वाले जो फंक्शंस हैं उनके साथ इनको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल इसके लिए हम कैसे क्वेरी रन करते हैं, लिखते हैं सिलेक्ट सिटी। हमने जो सिटीज हैं स्टूडेंट के डेटा टेबल में से उसमें से सिटी को सिलेक्ट करना है और उन सिटी को हमने ग्रुप करना है सिटीज के हवाले से। यानी कि ये स्टूडेंट का जो डेटाबेस है उसमें से हमने डेटा को जो कि सिटीज के हवाले से उनको हमने सिलेक्ट करना है और स्पेसिफिक सिटी के अकॉर्डिंग हमने उनको ग्रुप कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अभी डेटा सेट हम एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर रहे हैं वो है एक फैसलाबाद का, दूसरा है ओकाड़ा का और थर्ड वन इज लाहौर। तो हम स्टूडेंट्स का डेटा जो है सिटी से के हवाले से इकट्ठा करेंगे और उनके तीन हम ग्रुप बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं MySQL Workbench। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें सिटीज के ग्रुप दे देता है, ओकाड़ा, फैसलाबाद, लाहौर। अगर हम यहाँ पे कह दें कि काउंट भी करे रोल नंबर्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं जिनके अगेंस्ट ये सिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट की, इनको मैं सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट के तौर पर ये मुझे डेटा शो करवा देता है कि दो स्टूडेंट्स ओकाड़ा से हैं, दो फैसलाबाद से और दो लाहौर। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दूं कि मुझे नेम भी शो करवाए और यहाँ पे मैं कह दूं सिटी और नेम के हवाले से ग्रुप बाय कर दे, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करने पे मुझे ये डेटा शो करेगा सिटी वाइज नेम और काउंट। यहाँ पे आपका जो रोल नंबर काउंट है नेम के हवाले से ये आपको बता रहा है कि फैसलाबाद से एक ये है, ये भी फैसलाबाद से, लाहौर से है ये, ओकाड़ा से एक है और ओकाड़ा से ये अहमद भी एक। तो इस तरीके से आप ग्रुप बाय क्लॉज को डिफरेंट एग्रीगेशन फंक्शंस के साथ यूज करते हैं।